राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की फसल के बारे में कि धान की फसल के अंदर हम ऐसे कौन से पोषक तत्व डालें जिससे जो हमारी धान की फसल है उसकी ओवरऑल जो ग्रोथ है वह काफ़ी अच्छी निकल करके आए। क्योंकि कुछ किसान भाइयों के जो धान हैं वह हल्के पड़ गए हैं, पीले पड़ रहे हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, टिल्डिंग उनके अंदर बिल्कुल ना मात्र के बराबर है, जबकि वे कई सारे पोषक तत्व अपने धान की फसल के अंदर लगा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को यदि आप पूरा देखते हैं तो आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे, और यदि आप जिस पोषक तत्व के बारे में या जिस खाद के बारे में आपको बताने वाला हूँ इसका उपयोग आप करते हैं तो आप काफ़ी अच्छा मुनाफा या काफ़ी अच्छी पैदावार अपने धान की फसल से ले सकते हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखें, स्किप ना करें, तभी आप सही जानकारी ले पाएंगे। इस खाद के बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आपको इसकी कितनी मात्रा लेनी है, किस प्रकार से आप इसे डाल सकते हैं, सिंचाई कितनी करनी है और इसके क्या प्राइस हैं। पूरी ओवरऑल जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, तो वीडियो पे लगातार बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं पिछली वीडियो से एक कमेंट आपके लिए लेना चाहूँगा, जिसमें विक्रम मिश्रा जी ने एक प्रश्न मुझसे पूछा है, उसके बारे में मैं जानकारी देने वाला हूँ। तो विक्रम मिश्रा जी पूछ रहे हैं, जो आपने बताया है उसके अनुसार उर्वरक डाल दिए हैं, उपाय बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तलवार जिंक का उपयोग कब करना चाहिए? तो विक्रम मिश्रा जी, मैं आपको बताना चाहूँगा और अपने लगभग सभी किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा, यदि आप जिंक का उपयोग अपनी धान की फसल के अंदर करना चाहते हैं तो आपको लगभग धान की रोपाई से 20 से 25 दिन के बाद जिंक का उपयोग करना चाहिए। यदि आपको थोड़ी जल्दी करनी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बस 15 दिन के अंदर इसका उपयोग कर लें। 15 दिन से पहले जिंक का उपयोग आपको अपने धान की फसल के अंदर नहीं करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आज के खाद की, कि आज की जो मैं आपको खाद बताने वाला हूँ ये धान के लिए बहुत ही सर्वोत्तम, बहुत ही अच्छी खाद है। यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो आप अपने धान की फसल से एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं, अच्छी ग्रोथ अपने धान की फसल कर सकते हैं, टिलरिंग आपकी धान की बहुत ही अच्छी हो जाएगी और ओवरऑल जो आपके धान की फसल का जो उत्पादन निकल करके सामने आएगा वह बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही बढ़िया होगा। तो वीडियो को आप लगातार देखते रहें। जिस खाद की बात मैं करने वाला हूँ इसके अंदर क्या क्या आपको डलावा मिलेगा उसके बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, कैल्शियम इसकी मात्रा इसके अंदर पाई जाती है, मैग्नीशियम की मात्रा इसके अंदर है, सल्फर है, फास्फोरस है, बोरोन है, यानी कुल मिलाकर के टोटल 57% ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वह इसके अंदर पड़े हुए हैं, जो आपकी धान की फसल के लिए बहुत ही शानदार काम कर करके दिखाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसके कार्यों की, कि ये क्या क्या कार्य करता है। तो यह भूमि का जो आपका पीएच मान होता है तो भूमि के पीएच मान को ये सामान्य रूप से बनाए रखता है, जिससे आपकी जो धान की फसल है वह काफ़ी अच्छी निकल करके आती है। यह जड़ों के द्वारा पूर्ण रूप से ज़्यादा भोजन ग्रहण करने पर पौधे को उपलब्ध कराती है। इस और इसका जो और कार्य है, इसका एक कार्य है अंकुरण ज़्यादा होता है, वह कल्लों का विकास ज़्यादा होता है। यदि आप इस प्रोडक्ट का उपयोग अपने धान की फसल के अंदर करते हैं तो कल्ले बहुत ज़्यादा निकलेंगे, अंकुरण बहुत तेज़ी के साथ होगा और आपकी जो धान की फसल होगी यह बहुत ही सुंदर निकल करके आती है। बात कर लेते हैं इसके नाम की, तो इसका जो नाम है ये आयुष्मान कंपनी का CMS गोल्ड आता है, इसे आप कहीं से भी ले सकते हैं, किसी भी लोकल दुकान पर आपको ये मिल जाता है। इसके और मैं कार्यों के बारे में आपको बता देता हूँ। CMS गोल्ड भूमि की संरचना को ठीक करता है। CMS गोल्ड धान में जो आपके, ऐसा मान लीजिए जो धान का आपका दाना होता है, दाने को बहुत अच्छी तरीके से भरता है और दाना जितना ज़्यादा अच्छा आपका भर करके आएगा, जितना ज़्यादा दूध आपके धान की फसल के अंदर बनेगा उतना ही ज़्यादा उत्पादन आप अपनी धान की फसल से निकाल सकते हैं। CMS गोल्ड को DAP व NPK के साथ मिलाकर प्रयोग यदि आप करते हैं तो DAP और NPK इन दोनों की मात्रा को आप लगभग 25% तक कम कर सकते हैं। 25% आपको कम DAP और NPK अपने गन्ने की या धान की फसल के अंदर डालना होता है। इसका उपयोग आप धान में भी कर सकते हैं और गन्ने की फसल में भी कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसकी मात्रा की, कितनी मात्रा आपको इसे धान के अंदर देनी है। तो धान के अंदर आपको इसे लगभग 5 से लेकर 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसे अपने धान की फसल के अंदर लगा सकते हैं। बहुत ही कमाल के रिजल्ट हैं इसके देखने के, और इसे आप ज़रूर खरीद कर एक बार उपयोग करके देखें, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको इसका मिल जाएगा। बात कर लेते हैं इसकी कीमत की, तो इसकी जो कीमत है यह 10 किलोग्राम का जो इसका पैकेट है मात्र 490 रुपये का आपको मार्केट में मिल जाएगा। हो सकता है कहीं पर 10 या 20 रुपये का अंतर इसमें देखने को मिले, लेकिन जो 10 किलो का पैकेट है इसका लगभग 500 रुपये से ऊपर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मात्र 250 रुपये का खर्चा आपका धान की फसल के अंदर आता है यदि आप 5 किलो की मात्रा इसकी डालते हैं, और यदि आप इसकी मात्रा 7 किलोग्राम डालते हैं तो इसका खर्चा लगभग 350 रुपये के आसपास
आ जाता है। बहुत ही कमाल के शानदार रिजल्ट देखने को आपको मिलेंगे। तो उम्मीद है आपको मेरी जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं उसके लिए मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम जी।